सपा एमएलसी का आरोप, डीआईओएस ने रिश्वत लेकर बनाए बोर्ड परीक्षा केंद्र। शिक्षक एमएलसी ने जिला विद्यालय निरीक्षक पर परीक्षा केंद्रों के नाम पर धांधली करने और अवैध वसूली का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए एमएलसी ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। शिक्षक एमएलसी ने आरोप लगाया है कि डीआईओएस वित्त विहीन स्कूल का जमकर आर्थिक उत्पीड़न कर रहे हैं। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ये शाहजहांपुर का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जैसे ही यहाँ परीक्षा केंद्र बनने की शासन की नीति आती है, यहाँ खेल प्रारंभ कर दिया जाता है। इस वर्ष जैसे ही नीति आई, प्रधानाचार्यों को भेजकर पहले वित्त विहीन विद्यालयों का शोषण कराया गया और फिर वहां से 117 विद्यालय परीक्षा केंद्र बनकर आए, जिनका पैसा कम पहुंचा था उनको काटकर, 22 विद्यालयों को काटकर 25 और नए जोड़कर फिर इन्होंने 117 विद्यालयों के परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल करके भेज दी। इसके बाद भी इनको संतोष नहीं मिला तो जहां 25 कमरे बने हुए वहां लिख के भेज रहे हैं कि आपके यहां 14 कमरे बने हैं, क्यों ना आपकी मान्यता प्रत्याहृत कर दी जाए। इस तरीके की 63 नोटिसें भेजकर वित्त विहीन विद्यालयों का शोषण किया जा रहा। और इसके बाद फिर जब उससे लोगों ने अपनी नोटिसें समाप्त कराने का काम किया, शोषण और एक बढ़ा दिया इन्होंने। आज पेपर में निकाला कि जितने भी वित्त विहीन विद्यालय हैं वो संवेदनशील और अति संवेदनशील में घोषित कर दिए गए हैं, जबकि राजकीय और एडेड विद्यालय, यहाँ के कई ऐसे विद्यालय हैं जो ख्याति प्राप्त नकल कराने वाले एडेड विद्यालय हैं, उनको साधारण सामान्य श्रेणी में रखा गया। वित्त विहीन के शोषण का रास्ता इस डीआईएस ऑफिस ने जो अपनाया है बहुत ही निंदनीय है और इसके खिलाफ जितनी भी कार्यवाही संभव होगी, जितना भी संघर्ष संभव होगा किया जाएगा। कई ऐसे विद्यालय हैं जैसे राजा अजय सिंह इंटर कॉलेज परौर है, जो 3 सेट का विद्यालय है, उसको परीक्षा केंद्र भारी दूरभिसंधि करके बनाया गया। निगोही में श्री राम इंटर कॉलेज निगोही में है, जिसको मात्र 3 कमरे लिंटर्ड, बाकी 3 सेट परीक्षा केंद्र बनाया गया। ऐसे कई विद्यालय हैं 3 सेट के, जिनको परीक्षा केंद्र भारी रकम लेकर बनाया गया।